हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी पर। आज हम लोग बात करेंगे राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के गाने दिल दे दिया के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल दे दिया ये गाना अभी कुछ ही देर पहले जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है और ये गाना मुझे अच्छा लगा। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा जरूर लगा, क्योंकि ये गाना मुझे कुछ पुराने गानों की फील दे रहा था। यहाँ तक कि जो कोरस के टाइम म्यूजिक यूज किया गया है वो भी मुझे कहीं सुना सुनाया लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये गाना अच्छा लगा। और जो इस गाने के लिरिक्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे और मीनिंगफुल तो नहीं है लेकिन अच्छे ज़रूर हैं। और इस गाने को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूवी वांटेड का अनऑफिशियल सीक्वल ही है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फुटेजेस इस मूवी के देखे हैं उन सबको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये वांटेड का सीक्वल ही है। और हाँ, इस गाने की कोरियोग्राफी भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि सलमान खान बहुत अच्छे डांसर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोरियोग्राफर ने उन्हें इस गाने में यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा है। और जैकलीन भी हमेशा की तरह काफी खूबसूरत दिख रही हैं और उन्होंने इस गाने में काफी अच्छा डांस भी किया है। और जिस तरह की केमिस्ट्री हमें सलमान खान और जैकलीन में दिख रही है वो भी काफी अच्छी है। और जहां तक बात है सिंगर्स की तो कमाल खान की आवाज काफी अच्छी है और वो इस तरह के गाने काफी अच्छे से गाते भी हैं और उन्होंने इस गाने को भी काफी अच्छे से गाया है। लेकिन पायल देव इस गाने में पूरी तरह से छाई हुई है, उनकी आवाज सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल मुझे तो ये गाना अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना मूवी में भी काफी अच्छे से फिट होगा। तो देखते हैं मेकर्स इस गाने को कैसे यूज करते हैं। और अगर आपने ये गाना सुन लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।